करना है फिर? हाँ हाय शोभा, तो सॉरी कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग को काफी दिक्कतें करना पड़ रहा है। बट हमारी दोस्त लक्ष्मी को ऐड होना था, वो ऐड नहीं हो पा रही किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से। काफी लोग आए हुए हैं ऑनलाइन, तो चलो लेट्स हम लोग अपना काम कर लेते हैं ताकि को बुरा ना लगे, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट टाइम इसको हम लोग और इम्प्रूव करेंगे टेक्नोलॉजी में। फर्स्ट थैंक यू आने के लिए, वेरी शॉर्ट टाइम बताओ। ओके, एंड कोविड की वजह से तो काफी इश्यूज आए हम लोग को, सारे प्रोग्राम को अरेंज करने में, और दिक्कतें भी बहुत हुई हैं। बट काफी रस के बाद हम लोग कंप्लीट कर पाए प्रोग्राम को, एंड इनफैक्ट इस बार हम लोग काफी अच्छे पैमाने में कर रहे हैं, और आप लोग का जो फोटो शूट्स वगैरह था उन सबको हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और प्रॉब्ली हम लोग नेक्स्ट मंथ से वो सब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आप कुछ कुछ चीजें हैं जो बाहा मैगजीन को लेके आपका अनुभव एक्सपीरियंस, बहुत सारे चीजें जानना है लोगों को, क्या हुआ कैसे हुआ, तो हम लोग सीधा कम टू द पॉइंट में आते हैं। तो आप पहले अपने बारे में कुछ बता दो, उसके बाद हम लोग आगे कुछ आगे चलते हैं। ओके तो जहाँ लिखा था उसका नाम तो जहाँ लिखा था होगा ना, मतलब ये टाइटल पॉसिबली मेरा बन चुका है 2020 का। तो यस, एंड मैं बीबीए के लिए बीबीए ग्रेजुएट हूँ, एमबीए की तैयारी कर रही हूँ फिलहाल। आई एम बेस्ड इन कोलकाता, आई एम फ्रॉम कोलकाता। तो आई मस्ट अराउंड लई, लेकिन नोआ जब हम बाहा मैगजीन प्लेटफॉर्म हुई ना मिस ट्राइबल ब्यूटी क्वीन ना कॉन्टेस्ट जमशेदपुर रहे, तो ओना रेना का शॉर्ट फॉर ते का जो तो और को बड़ाई सना एक वा चेट को हुई ना चेट बाय हुई ना ओना को कई ब्रीफ रे लई को में। अच्छा, तो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो अभी ये नापा एक्सपीरियंस आया है ना। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अब वो स्टेट फेस खोजा, ऑडिशन फेस पे सिलेक्ट हुई करते डिफरेंट डिफरेंट जगह खोजा। अभी टैलेंटेड मॉइस स्कूल की तरफ है सेट अप ना डीपीसी जमशेदपुर रे, जहां रे अबवा जो तो किचो हुई दरकार था ना, सारा अपना सारे अपने फादर जो भी अपना ग्रूमिंग होने वाला था एवरीथिंग आर सच। एंड इट वाज लाइक जो भी डे आई स्पेंट देयर अडी बहुत ज्यादा मतलब अच्छा रहा मेरे लिए, बिकॉज आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जिनसे शायद मैं ऐसे नहीं मिल पाती। एंड डिफरेंट पर्सनालिटीज इंक्लूडिंग द सेलिब्रिटीज काइंड ऑफ होल्डर्स एंड ऑल जो लोग टोटली ग्राउंड टू अर्थ थे। सो आई पर्सनली फील कि दीज वर माई गोल्डन डेज। थैंक यू बा। ये जो शोभा, ये हमारे बाहा मैगजीन के जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था, इसमें जैसे पूरा एक लॉन्ग प्रोसीजर था कि सिलेक्शन होना था, सिलेक्शन के बाद आप लोग का स्टे होना था, तो हमने 3 दिन का आप लोग का स्टे ऑर्गेनाइज किया था। तो उस चीज के बारे में थोड़ा बताओ कि क्या हुआ था उन 3 दिन का स्टे में, क्या क्या चीज सीखने मिला, क्या चीजों को अनुभव हुआ। सबसे पहले तो इट वाज लाइक कि हम लोग को सुबह 5 बजे उठना पड़ता था ताकि हम लोग अपना पर्सनल काम सारे खत्म कर ले, एंड उसके बाद 10:30 हमारे को सारे अपने क्लासेस से जाना होता था। सेम लाइक अर्ली मॉर्निंग इन दैट विंटर, तो हम लोग 6:30 बजे उठ के हम लोग ऑडिटोरियम में जाना पड़ता था। एंड यूजुअली हमारा सबसे पहला डांस क्लासेस ट्रेनिंग होता था, लाइक हम लोग जो कॉन्सर्ट वाले डे पे डांस करने वाले थे उसका रिहर्सल होने वाला था। एंड जो रोमियो वास्की का टीम था एंड इंक्लूडिंग सारे अदर सर, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थे, मतलब दो स्ट्रिक्ट थे बट रियली वेरी कोऑपरेटिव। एंड जिनको देख के लग ही नहीं रहा था दे होल्ड अ यूट्यूब चैनल जिसमें उनके पास इतने सारे लाख लाख सब्सक्राइबर्स हैं। तो पहले हमारा ये होता था एंड आफ्टर दैट हमारा ब्रेकफास्ट टाइम होता था। ब्रेकफास्ट टाइम के बाद हम लोग को थोड़ा बहुत टाइम लगता था बात बात करने को, एंड देन द नेक्स्ट क्लास वाज फॉर आवर ग्रूमिंग क्लास जो हमारे को सुमंगल नागसर कराते थे। सुमंगल नागसर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। पहले कोई भी उनसे मिलेगा तो वो डर जाएगा, बट ही इज रियली अ स्वीट हार्ट। एंड ही टीचेस बेसिकली कि आपको वॉक करना कैसे होता है, कि आपको कौन से पोस्चर होल्ड करने होते हैं, किस तरीके से आप
स्टेज में वॉक करोगे, स्टेज में वॉक करना और ऐसे ही वॉक करना डिफरेंट होता है। स्टेज में आपको किस कॉन्फिडेंस के साथ चलना होता है एंड एवरीथिंग। फिर हम लोग आफ्टर दैट हमारा लंच वगैरह होता था, तो उसके बाद फिर हमको वीडियोस और पिक्चर्स के लिए मॉडलिंग करना पड़ता था, लाइक अबाउट अस आवर इंट्रोस एंड ऑल। फिर शाम तक तो ऐसे ही करते करते बेसिकली खत्म होता था। एंड फिर बाई इवनिंग जो हमारे लाइक दूसरे मेंटर्स थे, 20 पीपल के थे कम, एंड हम लोग अच्छा लाइक सारा अपना कॉन्वर्सेशन शेयर करते थे दैट व्हाट आर वी सपोज टू डू आर फर्दर प्लानिंग एंड ऑल। बस ऐसे ही हमारा एक डे खत्म होता था। बहुत अच्छा लगा जान करके। आप जब फर्स्ट टाइम आपके कोरियोग्राफर से मिले थे तो क्या उसके बारे में कुछ आइडिया था, कौन है वो? नहीं सर, बेसिकली मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि वो टीम क्या है, कौन सा टीम है, कौन आने वाला है। आई हैड नो आइडिया। जब कि अदर गर्ल्स वाले करे ये आने वाले हैं, आई वाज टोटली नल कि क्या होने वाला है क्या नहीं, कौन है ये लोग। बट बाद में पता चला कि ये लोग यूट्यूबर्स हैं जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, रोमियो बास्केट का इंटायर टीम इंक्लूडिंग नेहरू सर, रोमियो सर, लखई सर एंड थॉमस सर, सबके सब बहुत ज्यादा ग्राउंड टू अर्थ। मतलब किसी को देख के लगेगा ही नहीं, वो प्राइड घमंड जिसको कहते हैं ना, एरोगेंस, नथिंग एट ऑल। कुछ अच्छा इंसिडेंट्स बता दो उनके लिए, क्या उनको भी अच्छा लगेगा कि आप उनके साथ जो समय बिताए थे तो कुछ ऐसा चीज जो उनको शेयर कर सके, और अगर ये वीडियो उन्होंने भी देख रहे हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो मेरे को जो ट्रेन कर रहे थे दैट वाज थॉमस सर। एक्चुअली मैंने थॉमस सर को एक बार देखा हुआ है कि थॉमस सर वाज, अगर किसी ने सुल्तान मूवी देखी होगी, सुल्तान सलमान खान वाली, तो उसमें सुल्तान को ट्रेन करता है रणदीप हुड्डा। तो ही वाज अ टीचर जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, बट उसी के वजह से ही परफॉर्मड रियली वेल अपने रेस्लिंग में। सेम गोज फॉर मी दैट थॉमस सर मेरे को एट अ पॉइंट इतना ज्यादा डांटते थे, तो मैं ऐसे होता नहीं था, मैं ट्राई करती थी होता नहीं था, फिर मैं ट्राई करती थी होता नहीं था, बट सर समझाते भी थे इक्वली एंड डांटते भी थे। तो उनका वो डांटना एंड समझाना इक्वली वर्क किया, एंड स्टेज पे मैंने थोड़ा बहुत अच्छा दे ही दिया था। एंड द प्लस पॉइंट एंड द बोनस लाइक चेरी ऑन द टॉप वाला मोमेंट था मेरे लिए कि सर, जब मैं स्टेज में परफॉर्म कर रही थी तब सर बेसिकली साइड में आके ही वॉज चेयरिंग आउट फॉर मी। लाइक पूरे क्राउड में से आई कुड हियर थॉमस सर मोटिवेटिंग मी, यस यस। थैंक यू। ये सब तो लाइक इंटरेस्टिंग चीज है जिसको जाने काफी अच्छा लगा। और साथ में ये भी बताओ कि जैसे एग्जांपल मान लो तुम्हारा ये था कोरियोग्राफ जो तुम्हारे वॉक सिखाया था, उसके बारे में तो कुछ बताओ, उन्हें बताओ चुका। ओके, तो हम लोगों को बेसिकली दो लोगों ने मिलकर सिखाया था। एक है वेरी प्रेस्टिजियस सुमंगल नाग सर, एंड सेकंड आल्सो इज वेरी प्रेस्टिजियस दैट इज चंद्रकला मैम। सो चंद्रकला मैम पर्टिकुलरली हमारे लिए, सिर्फ प्रिसाइसली हमारे लिए आई हुई थी फ्रॉम मुंबई, एंड शी इज ऑल्सो लाइक, उनको देख के भी कोई नहीं बोलेगा शी हैज दैट एटीट्यूड एंड ऑल, नथिंग एज सच। शी इज ऑल्सो ग्राउंड टू अर्थ एंड द वे शी टीचर्स, मतलब उनको देख के वो आपको पूरी तरीके से सिखाती हैं कि भाई आपको पॉइस्चर कैसे करना है, आप चलते कैसे हो, आपका वॉक, एंड बेसिकली रैंप में हमको जो रिदम फॉलो करना था, जो कोऑर्डिनेशन फॉलो करना था, वो सब भी उन्होंने सिखाया। एंड हमको अपना इंट्रो भी देना था, तो वो हमारे उस इंट्रो में भी हेल्प आउट कर रही थी कि व्हाट थिंग्स आर वी सपोज टू से एंड व्हाट थिंग्स वी आर नॉट सपोज टू से। इन शॉर्ट, सुमंगल सर एंड चंद्रकला मैम, ये दोनों ने मिलके हम लोगों को इतने अच्छे से मोल्ड किया दैट वी एक्चुअली परफॉर्म्ड रियली नाइस, लाइक ईच वन ऑफ अस, नॉट ओनली मी बट ईच वन ऑफ अस, एंड एवरी थैंक्स गोज टू बेसिकली पर्टिकुलरली यू बट ऑल्सो सुमंगल सर एंड चंद्रकला। ओके, बहुत अच्छा। तो ये जो इंटायर आप प्रोग्राम सीखे, इसके बाद कुछ और लोगों ने भी आपको पोस्चर्स और चीजें सिखाया था? हाँ सर, ऑफ आई कोर्स, थिंक हाँ हाँ सिखाया था दैट याद। वाज। क्या बोल हाँ रहे थे आप, क्या बोल रहे हो? नहीं, बोले कि फेमना से कुछ लोग आए थे तो मैडम आई थी ना मिस इंडिया की, तो वो आपको क्या सिखाई थी? ठीक है, सो हमारे पास
हमारे पास इतना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी था उस वक्त, लाइक मीटिंग टू ह्यूज पर्सनालिटी, लाइक एक्चुअल बोल्ड पर्सनालिटी. सबसे पहले थी सुष्मिता प्रधान एंड जो सुपर मॉडल है, एंड अरूपा रथ मैम जो से लिस्ट में सिलेक्ट हुई थी फॉर मिस इंडिया. एंड हैविंग देम इन फ्रंट ऑफ अस, मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना कि जिस काम करना चाह रहे हो उसी के नीचे कोई आके आपको इतना मोटिवेट करे. वो मैम लोग को देख के लगता था ना वो फायर है उनके अंदर की, यस दे आर डूइंग एंड हाउ दे आर टीचिंग अस. उनका एक एक वर्क, मतलब एक स्टेप वो लोग रख रही है, वो एक्सप्रेशन, मतलब पूरा एकदम आर्च बैक एंड एवरीथिंग, और वो लोग समझा भी बहुत अच्छे से रहे थे. मतलब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वो लोग आई थी मिलने के लिए एंड आई वाज ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल लुकिंग फ्रॉम वेयर. खूबसूरत थी दोनों। बहुत ज्यादा सर, हम क्या बताएं, आई वाज रियली ऑस्ट्रक. मतलब लड़का होती था तो आई वुड हैव. अच्छा, और इवेंट के बारे में कुछ बताओ कि जिस दिन कार्यक्रम हुआ था उस दिन कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या चीज देखने मिला, समझने मिला, क्या प्रॉब्लम्स आए, उसको कैसे फेस किया गया? ओके तो जिस दिन हमारा इवेंट था बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही थी, बहुत ज्यादा. सिंस मॉर्निंग हमने लाइक एवरीवन ऑफ अस किसी ने भी अच्छा था, सबको बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा था क्या होने वाला है क्या होने वाला है. बट एक्चुअली डे मेकअप कराने जाना था तो हम लोग वहाँ गए एंड हम लोग थोड़ा डिले हो गया, बट नेवर माइंड वी वर ऑन द सेट. एंड द मोस्ट ह्यूज प्रॉब्लम दैट वी फेस वाज बारिश. मतलब पार्लर में बैठ के जब स्ट्रेटनिंग कराने लाइक ऑल गॉन, बट लाइक इट वाज लाइक अ प्रॉब्लम. बट हम लोग जिस तरीके से सबको उस चीज को ओवरकम करके जो हमने हमने जो परफॉर्म किया, जो हमने वॉक करा, दैट वाज लाइक अ फायर मोमेंट. एंड इंक्लूडिंग द ऑडियंस, इट वाज ओपन ग्राउंड पे हो रहा था तो सारे ऑडियंस सबको लाइक यस पीपल आर डूइंग नाइस. इवेंचुअली जो सारे मेंटर्स थे सुमंगल नाथ एंड एवरी अदर वो सपोर्टिंग ईच अदर सो मच. इवन द बैक स्टेज मेंबर्स जो थे तो उनको ड्रेस चेंज करने में दे वर डूइंग अ ह्यूज पार्ट ऑफ द शो फॉर मी. लाइक इट वाज अ बिग हेल्प फॉर अस बिकॉज अकेले उतना हो नहीं रहा था, बट लाइक बैक टू बैक तुरंत जाने में एवरीथिंग एवरी वन एक्चुअली सपोर्टेड ईच अदर. लाइक द बेसिकली टीम केम अप टूगेदर इन दैट प्रॉब्लम इवन एंड वर्क. ओके फाइन, बहुत अच्छा लगा सब जान करके। अच्छा, आप अभी जो लास्ट टाइम जो एक पूरा कार्यक्रम का प्रोग्राम बना और अभी जो नया आने वाला है, तो उस चीज में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आपके हिसाब से, सजेशन से क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और आने वाला फ्यूचर में उसको कैसे इम्प्रूव किया, ये एक सजेशन हमें दे दीजिए। सर ऐसे तो नथिंग ऐसा तो इम्प्रूवमेंट चाहिए नहीं, बिकॉज जितने भी वहाँ पे मेंटर्स आए हुए थे हमारे लिए वो सारे प्रो लेवल के थे, किसी को भी उतना ये जरूरत नहीं है. सारे के सारे लेवल टीचर्स या फिर मेंटर्स जो थे, एवरीबडी ऑफ देम नोज व्हाट दे आर डूइंग एंड सारे लाइक दे आर लाइक एक्सेलेंट टू वर्ड दिस फील्ड. सो आई डोंट रिकमेंड एनीथिंग एज सच मेंटर्स में चेंज और एनीथिंग. बट थोड़ा टाइमिंग इश्यूज हो जाता था कभी कभी हमारे वजह से, या फिर कभी कभी कोऑर्डिनेशन मैच नहीं होता था, बट दैट इज ओनली द थिंग दैट इज. बाकी एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड यस एवरीथिंग वाज परफेक्ट. आपको जैसे हम बता देते हैं, इस बार का जो प्रोग्राम का जो ढांचा बनाया गया है, तो लाइक काफी अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है इस बार का ढांचा। आपको एवं अराउंड 7 स्टेट में हम लोग इन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आसाम, मिजोरम भी इंक्लूडेड है, प्लस दिल्ली, राजस्थान और साउथ के तेलंगाना भी इंक्लूडेड है। इसमें डिफरेंट ट्राइब्स को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, तो इस बार का प्रोग्राम थोड़ा सा और बड़ा होने वाला है। तो आप लोग जैसे एक विनर लोग हैं, तो आप लोग को ऐसे हम लोग गेस्ट इनवाइट करेंगे। तो आने वाले लड़कियों को कुछ सजेशन और इनपुट कुछ बताना चाहोगे? हाँ जी जरूर सर. डियर सिंघानी रोयल, अगर लगता है कि आपके अंदर वो हाई पावर है आपके बैक पे, जो आपको बैकअप करने वाले हैं
एक्चुअली कोई भी आपको कुछ भी बोले कि यू शुड नॉट गो फॉर दिस, यू शुड नॉट गो फॉर दिस, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ट्रस्ट मी, आई अपनी मम्मी के साथ में गई थी वहां पे एंड माय मम्मा लव द एंटायर थिंग. हम लोग साथ रहे, टीचर्स के साथ, एक दूसरे के साथ, जितना कुछ भी था, माय मम्मा पर्सनली लव्ड इट. एंड माय फादर, लाइक जब वापस आई अवार्ड लेके, तो माय पापा वाज लाइक, ही वाज वेरी एक्साइटेड, ओ माय गॉड, माय डॉटर हैज वॉन, काइंड ऑफ. एंड देन द नेक्स्ट डे कुछ रिलेटिव आए हुए थे घर पे, तो माय पापा वाज लाइक, अरे आपको पता है मेरी बेटी ये जीती है. तो जो पेरेंट्स आर द वन एक्चुअली जो आपको सपोर्ट करने चाहिए, बाकी दुनिया क्या बोले, सोसाइटी क्या बोले, रिलेटिव क्या बोले, इट्स नॉट अ बिग डील, डेफिनेटली नॉट अ बिग डील. गो फॉर द थिंग व्हिच यू वांट टू डू. अगर आपको लगता है कि आप कुछ करना चाहते हो, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म यू कैन गो फॉरवर्ड विद. अच्छा, ये बाहर मैगजीन के होने के बाद आपको कुछ अपॉर्चुनिटी हमने दी थी, तो उस अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ बताओ, जो बट कुछ वजह से वो अभी तक कंफर्म क्लोज नहीं हुई है, बट उसके बारे में कुछ बता दो। ओके सर, अब ये चीज ना, मेरा किस्मत ही बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं जीत गई थी, बट स्टिल कोविड, लाइक मैं जनवरी में जीती एंड मार्च में कोविड जस्ट केम एंड ब्ला, ही हैड अ सरप्राइज फॉर मी. सो यस, टिल देन मेरे को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिले थे, जैसे कि आई गॉट टू 2 से 3 एल्बम्स के लिए मेरे को लाइक ऑलमोस्ट साइन होने वाली थी मैम, बट यस आई गॉट 3 अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम देम, जिसमें से एक का लाइक मेरे अपोजिट एल्बम में द ग्रेट, तो यस. एंड आफ्टर दैट मेरे को जो हमारे को मिलने वाला था पायलट के तरफ से, बीइंग द एयर होस्टेस एंड ऑल, सो उसमें वैकेंसीज की कमी होती है, सिंस अभी वैकेंसीज नहीं थे, सो आई कुडंट ग्रैब दैट. एंड ऑल्सो आई लाइक, मैंने ये चीज साइन भी नहीं किया, लाइक आई डिडंट इवन विन द टाइटल ऑफ, उसके पहले ही मुझे मूवी अपॉर्चुनिटी मिली थी, मूवी अपॉर्चुनिटी, सो बिग डील. लाइक बंगाली डायरेक्टर, शी इज फ्रॉम कोलकाता ओनली, एंड शी ऑफर्ड मी अ मूवी फॉर अ ट्राइबल गर्ल एंड एवरीथिंग. तो उसका शूट भी शुरू होने वाला था, बट फॉर सम रीजंस अदर रीजंस आई कुडंट. सो यस, दीज वर द ऑल द अपॉर्चुनिटीज आई हैड, बट यू वर लाइक कोविड स्पॉइल्ड एवरीथिंग. नहीं, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि बाहा आखिर तुम लोग को देता क्या है, मतलब हम लोग को दिखाई नहीं देता कि फाइनली तुम लोग को मिलता क्या है बाहा के थ्रू। तो ये चीज बहुत लोग के अंदर में क्वेश्चन होता है कि प्रोग्राम होता है, शो होता है, कंप्लीट होता है, बट हमें क्या मिलता है, मतलब जो विनर होता है उसको क्या मिलता है, तो उसके बारे में कुछ बताओ तो अच्छा लगेगा। तो इसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे यही कहना चाहूंगी कि देखिए, अगर आप लोग कुछ करना चाह रहे हो ना, तो यू शुड नॉट बी दैट लाइक कि यार मेरे को कंपटीशन जीतने के बाद ये मिलेगा. डेफिनेटली एवरीवन हैज दैट कि मेरे को कंपटीशन के बाद क्या मिलेगा, बट द मोस्ट प्राइटेस्ट थिंग जो आपको प्राउड फील कराएगा इज दैट यू विल बी हैविंग द टाइटल इन योर हेड, द क्राउन, द सैश, दैट यू आर द ट्राइबल क्वीन ऑफ दिस ईयर, एंड व्हाट एल्स मैटर मोर देन दिस. लाइक मेरे लिए तो और कुछ था ही नहीं वैसे, बट अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली है एज आई सेड. और एक और अपॉर्चुनिटी मिला हुआ था जमशेदपुर से, एक बहुत रेनाउंड मेकअप आर्टिस्ट, आई हैव फॉरगॉटन द नेम बेसिकली, बट उनके तरफ से भी हमको मिला था अपॉर्चुनिटी दैट शी विल बी साइनिंग अस फॉर अ फ्यू फोटोशूट के लिए, एंड शी वुड हैव मेड अस लाइक, एक मेकओवर होता हमारा उनके साथ ही, तो उधर भी एक हमारा अपॉर्चुनिटी था. तो अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, इट इज जस्ट दैट कि आप किस तरीके से सारी चीजों को डील करते हो. एंड बेसिकली जो टैलेंट राउंड होता है सारे कॉम्पिटिशन में, इट इज टू सी योर कॉन्फिडेंस कि आप कैमरा को कैसे फेस करते हो, दैट इज ऑल. लाइक आप अगर स्टेज में जाकर थोड़ा हकबका जाते हो, जो मैं हकबका गई थी, नो डाउट, बट दैट इज इट, कॉन्फिडेंस इज ऑल दैट मैटर. तो चाहे आप डांस करो, गाना गाओ, इट नील एवरीथिंग, एंड वही है. थैंक यू। कुछ व्यूअर्स जो है अभी लाइन पे है, उनके कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, तो मैं एक है एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, तानिया मुर्मू, ठीक है, तो उनका कहना है कैन यू गिव सम टिप्स फॉर मिस बाहा 2021, तो उनके ओके, बारे में कुछ बताना चाहोगे? श्योरली श्योरली. आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट बी योर सेल्फ, बिकॉज अगर आप फेक करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी बैठी हुई है, मैंने और भी लोगों को जज करा हुआ है, तो वो लोग आपको तुरंत पकड़ लेंगे. तो बी योर सेल्फ, जस्ट बी योर सेल्फ, वॉक द वे यू वॉक,
बी कॉन्फिडेंट इनाफ एंड थोड़ा बहुत ड्रेसिंग एंड ऑल, बस इतना ही चाहिए आपको, और कुछ नहीं। उनके बाद मलाइका मार्डी करके है, उनका क्वेश्चन है, डू यू हैव टू पे एनी अमाउंट फॉर दिस फैशन शो? ओके हाय मलाइका, सो योर क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड नाउ लेट मी नो यू कि आप किसी भी कंपटीशन में जाओगे ना, आपको एक्सपेंस लगेगा, इट इज नथिंग एज सच कि आपको एक्सपेंस नहीं पड़ेगा। हाँ ये बात है कि सारे अदर पेजेंट से दिस पेजेंट इज क्वाइट कम प्राइस इनका, एंड इसमें भी आपको प्राइस सब देना पड़ता है, लाइक आपका स्टेइंग इज ऑल, आपको जो फूडिंग खाओगे वो फूडिंग का आपका चार्ज पड़ेगा, प्लस जो आप लास्ट हमारा जो विनिंग राउंड होता है उसमें जो आपका ग्रूमिंग होगा उसमें आपको जस्ट पैसा देना पड़ेगा, एंड उससे ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को नहीं लगा था। एंड अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो वही ट्रैवलिंग के थोड़े बहुत लगेंगे, रेस्ट अदर्स मेरे ख्याल से उतना कोई एक्सपेंस नहीं है उसमें। थैंक यू। दीपक टूडू क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई थिंक वी शुड प्रिफर आवर मदर टंग फर्स्ट, तो इसके लिए क्या बोलना है? ओके श्योरली सर, नाम से बताया था, दीपक टूडू दी नहीं, दीपिका टूडू है। दीपिका टूडू। हाय दीपिका टूडू, इट्स लाइक बहुत अच्छा लगा आपसे ये क्वेश्चन जान के, बट जैसे आप जानते हो कि इस साल बाहा मैगजीन इज गोइंग अपने लेवल से थोड़ा और ऊपर, एंड दिस इज गोइंग टूवर्ड्स लाइक मोर असाम्स एंड एवरीवेयर, सो संथाली जो हमारा मदर टंग है, इट इज नथिंग टू टॉक टू शेम या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज जस्ट कि आपको अपना मैसेज सामने वाले को पहुंचाना है। अगर मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, अगर उनको वो चीज समझ आ रही है तो व्हाट एल्स डू यू नीड, संथाली से मैं बात कर लूंगी मुझे भी तो प्रॉब्लम है, बट संथाली में वही लोग समझेंगे जिनको आता है संथाली, सारे लोग नहीं समझ पाएंगे ना। अगर वहां मैगजीन में कोई फर्क में आना चाहिए व्हाट द फील्ड इज एंड व्हाट हाउ थिंग्स हैपन। तो कुछ आप संथाली में बोलेंगे तो उनको लगेगा कि शायद आपको भी आता है संथाली। क्या बोलना माने जहां ना दीपिका जहां क्वेश्चन ने खुली है का मैं ओना रे ना रिप्लाई के अगर संथाल ते में ना तो ना पाई हो। संथाली भाषा जो तो मैंने तो मेरे को बाको बढ़ाया नौ भाषा दो सिर्फ संथाली होड़ को के बढ़ाया नौ दो, और अब जहाँ बोल रही हूँ मैं ना उनको तो हिंदी इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज को फॉलो या जो इन नेताओं संथाली भाषा में जोड़ा तो अटी होड़ को बाको ठीक है ना, मैं इंचेंग में ने आ तो कि हिंदी होड़ नेताओं को प्रॉफिटेबल कहेगा चला कि जो तो होड़ इन जहां मैसेजिंग सेटे सनाइन करा उना भाषा मैसेज ओके थैंक यू। साथ में लक्ष्मण मुर्मू जी हैं, उनका क्वेश्चन है, शोभा अभी आप पॉपुलर हो जाओगे, आप हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या-क्या कर रहे हो, क्या अच्छा करोगे? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप कह रहे कि मैं पॉपुलर हो रही हूँ, मे बी नॉट, अगर की बात आती है कि मैं अपने ट्राइब को प्रमोट करती हूँ तो अगर मैं एनी फर्दर अपने लाइफ में कुछ करती हूँ तो, या फिर मैं पेजेंट में जाती हूँ तो मैं अपना नाम कैसे बताऊंगी, मेरा नाम शोभा सोरेन है एंड आई एम फ्रॉम संथाल ट्राइब, राइट, आई विल से दिस, तो बेसिकली दिस इज द वन स्टेप क्लोजर टुवर्ड्स कि मेरा कम्युनिटी कैसे आगे जा रहा है। ओके उसके बाद मिस्टर उदय किसको पूछते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। मलाइक तानिया मुर्मू आपको थैंक यू बोली है, साथ में मलाइका मार्डी जो है वो पूछती है, व्हाट इफ आवर कॉलेज एग्जाम क्लैश ड्यू टू दिस, सो व्हाट कैन वी डू? ओके मलाइका, तो इसके लिए आई डोंट नो व्हाट टू डू बिकॉज मेरे एग्जाम्स उस वक्त थे नहीं, बट मेरे एक को कंटेस्टेंट को पार्टनर थी, शी हैड हर एग्जाम उस वक्त, तो उनको वो छूट दी गई थी कि आप 1 दिन तक लैग करके आ सकते हो पीछे, बट आपको वही फिनाले राउंड के पहले वाले दिन तक आना पड़ेगा सो दैट यू ऑल्सो लर्न द सेम कोऑर्डिनेशन एंड ऑल कैसे मैच करना है। मैं आप सबको क्लियर कर देता हूं कि
जो हम अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, सारा चीजों को देख समझ करके कि किस दिन कब एग्जाम होता है, इम्पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा पॉइंट्स आ जाता है, तो उसको हम लोग ध्यान में रखे हम लोग सारे कैंडिडेट को कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मिनिमम किसी को प्रॉब्लम हो। और ये प्लेटफॉर्म बाहर की बनी हुई, हम सब ट्राइब्स के लिए बनी हुई, ताकि हम लोग सब लोग इसका बैठ आ सके। ओके, एक सजेशन पूछना चाहते हैं सिबू सोरेन, इस तो लाइक मेरे लिए है, फिर भी मैं आपसे कंसल्ट कर लेता हूं। इन फ्यूचर बॉयज के लिए कोई इवेंट का प्लान है क्या? तो आपको क्या लगता है, मिस बाहा की जो टाइटल में बॉयज को अभी इंक्लूड करना, क्या मतलब आपका क्या सजेशन है? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर कि आप ऐड करना चाहो तो कर ही सकते हो, लेकिन मिस बाहा बाहा इज फॉर गर्ल्स, एक गर्ल्स के लिए होता है ना, तो मिस्टर एंड मिसेस बाहा थोड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक प्लस पॉइंट ओनली, बट इट विल टेक सम टाइम मेरे ख्याल से। ओके, थैंक यू। और एक चीज है, आपको एक ट्रॉफी मिली थी हाँ शायद जी सर, बाहर, आप वो यस ट्रॉफी लोगों को सामने थोड़ा दिखा सकते हैं, और उसके बारे में कुछ जो हमें डिस्क्राइब किया था, तो उनको एक अच्छा अच्छा लगेगा क्या था ट्रॉफी। सर, 2 मिनट मैंने जस्ट मंगवाया है। हाँ ओके ठीक है। सूरज मुर्मू का क्वेश्चन है कि इज मेन पार्टिसिपेट करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए क्या? इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन सिर्फ इतनी चाहिए कि आपकी हाइट होनी चाहिए 5, एंड उसके साथ साथ इट इज लाइक कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा इफ यू आर मैरिड और सिंगल, ऑफ कोर्स नॉट अनमैरिड, एंड दैट इज इट। मेरे ख्याल से और भी क्वालिफिकेशन है कि हैव यू टैलेंट, हैव योर सेल्फ इन कॉन्फिडेंस एंड यू आर रेडी टू रॉक। चलो अच्छा, बाकी सबका मैक्सिमम कॉमन क्वेश्चन ही है। बाकी आपको बहुत लोग प्यार भरा संदेश दिए हैं, आपको काफी लाइक्स दिए हैं, काफी बेस्ट विशेस भी दिए हैं, एंड थैंक आप कोई एक बेहतरीन लाइक जो एक इंसिडेंट जो सबके साथ शेयर करना चाहते हो, कि आप बता सकते हो कि बाहा मैगजीन के जो फाइनल राउंड के दिन लाइक जो पूरे प्रोग्राम हुए, उस बीच में आपका पर्सनल व्यू क्या रहा, आप क्या सोचते हो, और इसको कैसे आप क्या आपकी नजर में कैसे लगा आपको? यू। अच्छा तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि जो विनिंग मोमेंट था उसे मैंने जरा से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं जीतने वाली हूँ, एंड लाइक फर्स्ट सेकंड रनर अप का जब नाम लेने वाले थे तब इट वाज लाइक शेफाली मुर्मू, ठीक है, आई वाज लाइक कि कुछ हो ना हो फर्स्ट मिले नहीं मिले थर्ड तो पक्का आ जाना है, थर्ड पोजीशन गया बाया फर्स्ट रनर अप, फर्स्ट पे भी नाम आ गया सुनीता टुडू का, अब मैं खत्म, अब तो कुछ भी नहीं आना ना, फर्स्ट का पोजीशन तो मिलने ही नहीं वाला, सेकंड और थर्ड मिलने वाला था भगवान की दया तो वो भी गया, बट फिर बाय गॉड ग्रेस एवरीथिंग हैपेंड टू बी अ मिरेकल एंड मेरा नाम लिया गया टू बी द विनर, तो मेरे लिए वो मोमेंट बहुत ज्यादा अच्छा था, मैं फूले नहीं समा रही थी एंड आई वॉज अबाउट टू क्राई, बट एज पर आई हैड माई मेकअप ऑन एंड आई डिडंट वॉन्टेड टू रूइन इट, तो मैंने बोला शो यू कंट्रोल, यू आर नॉट गोइंग टू क्राई, तो यस एंड एवरीबडी, मेरा फैमिली मेंबर्स जितने बैठे हुए थे एवरीबडी वाज सो वेरी हैप्पी एट दैट वेरी मोमेंट, एंड जो एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करना चाहूंगी रिगार्डिंग माय बाहा डेज एंड ऑल, ट्रस्ट नहीं करोगे दैट यू विल मीट सच ब्यूटीफुल सोल्स, लाइक मैंने जितने भी लोगों से मिला है उन फेज के दौरान, वेदर इट बी मेंटर्स, वेदर इट बी माय पार्टिसिपेंट्स, वेदर इट बी द अदर हेल्पफुल, सबके सब वर सो काइंड पोलाइट जेंटल पर्सन एंड वन इन अ यूनिक, आई रियली चेरिश दिस डे बिकॉज इतने सारे अच्छे लोग मेरे को एक बार में मिल गए, आई आई कुडंट जस्ट फाइंड एनी अदर वे, इस कॉम्पिटिशन के दौरान आपको कुछ और मिले नहीं मिले अच्छे लोग डेफिनेटली मिलने वाले, जो मतलब आपको सजेस्ट थिंग्स विल हेल्प यू आउट सम ऑफ द अदर डे, दिस वाज द बेस्ट पार्टी था। उस पूरे इवेंट में एक इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, वो कहाँ से आए थे और क्या सपोर्ट किए थे? तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे ही वाज मिस्टर लाइक आई डोंट नो द नेम बट ही वाज मिस्टर कौरव,
तो ही ओन्ड लेदर जैकेट कंपनी, उनका कॉरोव एक्सपोर्ट करके, तो उन्होंने हमारा जो थर्ड राउंड होने वाला था वेस्टर्न राउंड, उसमें उन्होंने हमारे को अब जैकेट्स लाइक लेदर जैकेट बैग्स एंड एवरीथिंग दिए होंगे। अगर आपने पिक्चर्स एंड ऑल देखे होंगे तो उसमें जो सारी लड़कियों ने लेदर जैकेट एंड बैग पहने हुए थे वो सारे के सारे वर स्पॉन्सर्ड बाई कॉरोव एक्सपोर्ट्स, एंड सारे के सारे जैकेट वर लाइक बहुत ज्यादा अच्छे थे। एंड सर वॉज बेसिकली अबाउट ये, दिस वॉज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी गिवन टू अस कि कौरव जो भी विनर होने वाली थी या फिर जो भी अप्रोच करे सर को, उनको मिलता कौरव एक्सपोर्ट्स के तरफ से मॉडल उनके लिए, उनके प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग का एक मौका। तो कोविड के चलते आई लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी एज वेल, बट यस कौरव एक्सपोर्ट्स आया हुआ था जो सर दिल्ली दिल्ली या मुंबई से आए हुए थे। मैं थोड़ा ब्रीफ बता दूं, कौरव एक्सपोर्ट जो है उनकी दो फैक्ट्री है नोएडा में। उनकी टर्नओवर करीब 5 करोड़ की है, नहीं सॉरी 500 करोड़ की टर्नओवर है। उनकी जो प्रोडक्ट है लेदर गारमेंट के, वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल होती है, लाइक फ्रांस एंड इटली। वो स्पेशली हमारे रिक्वेस्ट में जमशेदपुर आए थे अपने प्रोडक्ट के साथ, और तुम लोग के साथ भी फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ। कौरव एक्सपोर्ट के लिए इससे पहले कुछ लड़कियां थी जो मॉडल में आई थी बाहर का, उनको फोटोशूट करा के उनके प्रोडक्ट को हमने शोकेस किया था, जो इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छा रहा था। सेम चीज आप लोग के लिए भी प्रपोज था, बट ये कोविड की वजह से, बट कोविड जैसे ओवरकम होगा हम लोग उस पर वर्क करेंगे आप लोगों के लिए। साथ में मलाइका मार्डी के एक और एक क्वेश्चन है, पूछती थी देयर आर हाउ मेनी राउंड्स, पूछ रही है कितने राउंड्स थे प्रोग्राम प्रोग्राम पे। में देखिए, फर्स्ट होता है आपका जो ऑडिशन राउंड होता है और एक होता है फिनाले राउंड। ऑडिशन राउंड में एज यूजुअल एक ट्रेडिशनल लाइक ऑलमोस्ट सारे सेम ही होता है। एक ट्रेडिशनल राउंड होगा, वेस्टर्न राउंड होगा, और ऑडिशन में होता है टैलेंट राउंड, और वही वाला राउंड आपके फिनाले में हो जाता है लाइक परफॉर्मेंस राउंड सारे कंटेस्टेंट्स के साथ। बस यही 3 राउंड होते हैं। ओके अनीता मुर्मू का क्वेश्चन है, मैम गिव मी सम मॉडलिंग टिप्स, आपसे कुछ ओके, टिप्स हाय मांग रही है। अनीता, नोइंग दिस इज रियली नाइस कि आप टिप्स मांग रहे हो। मॉडलिंग के लिए आपको कुछ नहीं होता, यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू मूव योर बॉडी एंड पोज कैसे करना है, दैट इज ऑल। एंड इफ यू रियली नीड टू नो कैसे, यू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, दैट इज शोवा सोरेन, एंड आई वेरी ऑफन एक्टिव, यस आई आउट। थैंक यू। एक और मैडम है, उनका नाम है सुहागी मार्डी, उनका क्वेश्चन है कि ऑडिशन में डांस कंपलसरी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जो कर सकते हो वो जस्ट द टैलेंट राउंड, मैंने जैसे बताया कि आपको सिर्फ लोग कैमरा के सामने आपका कॉन्फिडेंस कैसा है बस वही वो लोग देखते हैं, और कुछ नहीं। आप डांस कर सकते हो, आप गाना गा सकते हो, आपको गिटार बजाना आता है आप गिटार बजा सकते हो, आपको बीट बॉक्सिंग आती है आप करो, आपको जो भी आता है वो करो। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप करो। आप लोग ने मेरा वीडियो तो देखा ही होगा यूट्यूब में, एंड मैं नहीं देखती हूँ वीडियो, वेरी ऑनेस्टली मैं वो वीडियो नहीं देखती हूँ। मेरा फैमिली अगर बैठ के देख भी लेता मैं वो वीडियो नहीं देखती हूँ। तो यस वही है, कॉन्फिडेंस चेक आपने करके क्या आप कुछ भी। परफॉर्म किया ऑडिशन के समय? आपने हाँ ऑडिशन सर, के सामने क्या परफॉर्म किया? ऑडिशन के मैंने सामने क्या, ऑडिशन के टाइम, ऑडिशन के टाइम में आपने टैलेंट राउंड में क्या परफॉर्म किया था, ये थोड़ा बता दो उनको। ऑडिशन राउंड पे मैंने डांस करा था 2 3 सॉन्ग के फ्यूजन पे, बस मैंने तो डांस किया था। दो आई डोंट नो हाउ टू डांस दैट वेल, बट स्टिल आई ट्राइड, बिकॉज एक टाइम तो फॉर्चुनेटली यार किसको लाइक उतना फर्क पड़ रहा है डांस करने का मतलब है। थैंक मैडम। एक आई है मोनिका टुडू, इनका क्वेश्चन है, क्वेश्चन राउंड में आपका क्वेश्चन क्या था? ओके, मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट डू आई फील अबाउट फैशन, फैशन मेरे लिए क्या है, ये मेरा सवाल। जवाब क्या दिया था आपने? मैंने जवाब बहुत सिंपल दिया था, बहुत सिंपल, बिकॉज इसमें कुछ सोचने वाली बात है नहीं। फैशन फॉर मी इज लाइक जितना आप कंफर्टेबल हो उतना, 1.5 किलो कपड़ा 1.5 किलो मेकअप होते क्या कर लेना जब आप इसमें कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, कंफर्टेबल ही नहीं हो। सो फैशन इज ऑल अबाउट बीइंग कंफर्टेबल इन द ड्रेस।
ओके फाइन। सोहागी मार्डी बोलती है कि मैं बहुत इंटरेस्ट हूँ इनके लिए, मुझे मैं कोई टैलेंट नहीं है मेरे में, बट हो जाएगा सब। ओके सेकेंड चीज, अंजलि मुर्मू का कहना है कि कुछ पूछ रही है, डांस में क्या हम अपने ट्राइबल सॉन्ग में ही कर सकते हैं या कोई दूसरा सॉन्ग में भी? नहीं, आप दूसरे सॉन्ग से भी कर सकते हो। इट इज रियली नॉट कम्पल्सरी कि आपको सिंथाली सॉन्ग में करना है। आप कोई भी सॉन्ग सिलेक्ट करो, वेदर इट बी बॉलीवुड या फिर हिंदी। करने से मतलब है, कोई भी सॉन्ग सिलेक्ट कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। Fine. आप ट्रॉफी के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे? यस, आई हैव गॉट माय ट्रॉफी। सो यस, दिस इज द ट्रॉफी आई गॉट। Like, I don't know if people will be able to see or not. Yes, so this is the trophy I got, and this is very heavy. Bahut zyada heavy. This is made up of brass, and this is the stone. ये section अगर आप देख पा रहे हो, तो ये section is the stone section, and ये आप यहाँ से देखो, the flower, हाँ कौन सा फ्लावर था? कौन हेलो, सुनता पड़ता सा हूँ, वही फ्लावर? चलो खुल जाओ। हमारे संथाल में जब शादी में यूज होते हैं ना, व्हाइट वाला फ्लावर, ठीक हाँ सर, है? वही ना। हाँ, वो वाला हाँ फ्लावर है ये, एंड दिस इज द लेडी कमिंग आउट फ्रॉम द फ्लावर। लाइक इट्स से लेडी निकल रही है, जो यू नो हाफ स्टोन, एंड ये ऊपर से लेडी बन चुकी है, बट शी इज इनकम्प्लीट एंड शी इज जस्ट ब्लूमिंग आउट द फ्लावर, जो कि जो बाहर का कॉन्सेप्ट है उससे मैच करता था। एंड दिस ट्रॉफी हर साल इसका डिजाइन चेंज होता है हर साल, जो कि सर के वहाँ मैगजीन के कुछ इंटर्न्स होते हैं, दीज पीपल डिजाइन द ट्रॉफी, एंड एवरी साल ये डिफरेंट होता है, तो कोई भी कॉपी करने का कोई चांस नहीं है, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस वन। उस फूल को बोलते हैं गुलाची, हाँ, गुलाची बहा। गुलाच। ट्रॉफी में कुछ लिखा है ना सिंबल नीचे? दिस इज बाहर रिटन हियर। ओके फाइन। कुछ और लोग भी हैं, मिस्टर मयूरसुतन मुर्मू, ये बांग्लादेश से हैं। उनका क्वेश्चन है, शोभा सोरेन, कुड यू प्लीज टेल अस योर एम्बिशन एंड हाउ कुड यू वांट टू रिप्रेजेंट आवर कल्चर टू आउटसाइडर? ओके, सो आई एम जस्ट एन एस्पायरेंट, दैट्स इट ऑल आई कैन से। मैं बस कोशिश कर रही हूँ, जो करना चाह रही हूँ वो कर लूँ। फिलहाल तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यही था मेरा एम्बिशन के बारे में, इतना ही बताऊंगी फिलहाल। सेकेंड ऑफ ऑल, सेकेंड क्वेश्चन ये था कि वही मैं कैसे प्रमोट करूंगी ना। सो आई मेरे को जिस भी फील्ड में आगे जाने का मिलेगा, लाइक वेदर इट बी अ मूवी, जैसे मैंने कहा कि मेरे को मूवी कुछ भी मिल चुका है, तो अगर मेरे को मूवी मिलते हैं, एल्बम्स मिलते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज से, तो अगर कोई मेरे से पूछता है कि हु आर यू एंड व्हाट कम्युनिटी डू यू बिलोंग, सो एवरीबडी नोज व्हाट विल बी माई आंसर। एंड यस, इन्फ्लुएंसिंग अदर गर्ल्स फ्रॉम माई ट्राइब टू बी वॉट दे आर एंड मोटिवेटिंग देम टू टर्न देयर सिंपल लाइफ टू एक्सट्रोवर्ट। ओके एक और क्वेश्चन है मलाइका मार्डी का, बोले ड्रेसेस आर प्रोवाइडेड और वी हैव टू वेयर आवर ओन फाइनल राउंड के लिए? ओके, फाइनल राउंड के लिए देखिए, जो ट्रेडिशनल राउंड होता है उसमें आपको वो जो फाइनल राउंड में होता है ना, ये सारे तो नॉर्मल राउंड्स हो गए, बट जो आपको वॉक करना पड़ता है उस वॉक में आपको कपड़े दिए जाते हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल राउंड में आपको अपना साड़ी लेकर आना होगा, वेस्टर्न राउंड में आपको अपना ड्रेस लेकर आना होगा, एंड दैट्स इट। और जो आपका जो फाइनल राउंड होगा, जो कॉस्ट्यूम वेयर होता है, मतलब जो इंडियन वेयर जो बाहर आपको मतलब देगा, वो कपड़ा सिर्फ आपको नहीं लेना पड़ेगा, बाकी अदर्स यू नीड टू कैरी फॉर योरसेल्फ। एंड रही बात मेकअप कि फाइनल राउंड में मेकअप के लिए, ग्रूमिंग के लिए आपको चार्ज किया जाएगा, एंड आई विल सजेस्ट पर्सनली, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप मेकअप करा लेना, प्लीज मेकअप करा लेना, बिकॉज उस स्टेज पे इतने सारे लाइटिंग होते हैं, इतने सारे लाइटिंग होते हैं, एंड बैक टू बैक कैमराज उधर से उधर से आपकी पिक्चर खींच रहे होते हैं, तो द ब्यूटिशियंस नो एक्चुअली कि कौन सा मेकअप करने पे आपके पिक्चर्स अच्छे आएंगे। सो दैट इज इट, आप प्लीज मेकअप करा लेना, दैट इज लाइक मस्ट फॉर द फाइनल राउंड, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आपको मेकअप कराना है कि नहीं कराना है, तो आप प्लीज करा लेना।
थैंक यू। एक और है, उनका नाम है अंजलि मुर्मू, का एक और सवाल उठा रही है। तो संथाल ट्राइब्स हो करके क्या हम हमारे स्टेट की कोई दूसरे ट्राइब्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, और अपने कॉस्ट्यूम और कल्चर? मैं फिर से रिपीट कर दो, संथाली ट्राइब्स से होकर हम हमारे स्टेट की किसी और दूसरे ट्राइब्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, और अपने कॉस्ट्यूम और कल्चर से। देखिए, अगर आप इस कल्चर के हो तो फिर अगर कंपटीशन दूसरे जगह हो रहा होता है एंड यू आर सपोज टू रिप्रेजेंट संथाली अपने कपड़े पहन के, लाइक अपना जो साड़ी होता है लुमंग साड़ी एंड ऑल, तो अगर आप वो पहन के हमारे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने जाना चाहते हो तो यस ऑफ कोर्स यू कैन। एक और पूछना है कि आप फाइनल जो इवेंट हुआ था उसमें कौन से ट्राइब का डांस आपने किया था, ओके, दैट आपने क्या? वाज फ्रॉम असम। मेरा जो मैनेजर परफॉर्म करा था दैट वाज फ्रॉम असम। क्या था असम में? अरे सर बिहू सॉरी, डांस आज किया था, हाँ बिहू बिहू डांस डांस करी। किया था। हाँ हाँ, असम में बिहू को रिप्रेजेंट किया था। तो अंजलि, आई थिंक होप आपका चीज क्लियर है। इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट ट्राइब्स को हमने, कौन कौन से ट्राइब्स को हमने कवर किया था फाइनल इवेंट में, आपको जो याद होगा तो। बिहू किया था हमने, अपना कंपाइन किया था और एक कुछ था सर, अब याद नहीं आ रहा। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। होप आपके मैक्सिमम सवाल्स, बाकी तो बहुत सिमिलर क्वेश्चंस है सबके। ओके, फाइन। तो आज के लिए आप अगर कुछ स्पेशल कुछ संदेश देना चाहते हैं लोगों को, तो वो हम लोग करके आज का डे हम लोग क्लोज करेंगे। ओके, तो गर्ल्स जिनको तो मिसेस भी हैं, तो लेडीज एंड गर्ल्स पीपल आर रियली इंटरेस्टेड इन इट, आपको करना है तो गो फॉरवर्ड, पीछे नहीं रुकना है बिकॉज एक ही लाइफ है यार, और बहुत सारी चीजें करनी है। अगर ये आपके विश लिस्ट में है गो फॉर इट, जीतो नहीं जीतो इज नॉट अ बिग डील, बट वही है कि आपको नया एक्सपीरियंस मिलेगा, नए लोगों से मिलोगे आप, नई नई चीजें सीखोगे एंड वही है सोसाइटी, लोग बोलते रहेंगे तो उसने सुनना नहीं है, बिकॉज सोसाइटी आप अच्छा करोगे तो भी बोलेगा, आप बुरा करोगे तो भी बोलेगा, जस्ट गो फॉर इट एंड इससे अच्छा पैट मेरे ख्याल से नहीं होने वाला आपके लिए। सो गर्ल्स प्लानिंग फॉर 2021 इज वाह, गो फॉर इट। हाँ, एक और शख्स है, प्रभात पीटर टुडू, इनका क्वेश्चन है कि अपॉर्चुनिटीज एंड वैल्यूएबल करियर फॉर ट्राइब्स गर्ल्स एंड बॉयज, कुड यू प्लीज टेल मी, स्पीक इन संथाली और इज एनी माय ओपिनियन, ऑप्शन जो उनके ऊपर है कि वो संथाली देखिए में बोल सकते हैं या कुछ और। मैं संथाली में बोल तो सकती हूँ बट वही है कि मैं जो कुछ समझाना चाहूंगी वो आप नहीं समझ पाओगे, बट स्टिल आई ट्राई। नोआ फील्ड रे जहाँ वहाँ मैं एक दिन अपॉर्चुनिटीज को इमो करना उना के अपॉर्चुनिटीज के नाम है, वेदर इट बी फिल्म इंडस्ट्री, वेदर इट बी एल्बम इंडस्ट्री, या फिर मॉडलिंग शूट, या फिर ओकारे हो, जहाँ कंपनी जहाँ पर्सनालिटीज को साला बाहा मैगजीन या लिंक्डअप में ना उनाते कुड़ी को आ मैंने आपको ट्राइबल कुड़ी को आ अड़ी फ्यूचर बिना दड़ा, बट ओनली इन वन कंडीशन, जो भी आपके पे सपोर्ट आ, दैट्स इट। एक और क्वेश्चन पूछी है मलाइका मांडी, लास्ट क्वेश्चन है उनका, कि हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर सिलेक्टेड इन ऑडिशन राउंड, क्या सर, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर सिलेक्टेड इन ऑडिशन राउंड, कि कितने पार्टिसिपेंट सिलेक्ट हुए थे ऑडिशन राउंड में? ओके, सो बेसिकली डिपेंड करता है कितने लाइक आए हैं एंड मोस्ट मेजोरिटी के हिसाब से 10 सिलेक्ट हो जाते हैं एंड वही है कि अगर 10 आए हुए रहते हैं तो वी कैन नॉट पिक अप द इनफीरियर, मैं आपको कहूंगी यू नीड टू बी योर पार्ट, लाइक यू नीड टू बी योर पार्ट में कॉन्फिडेंट, तो वही है कि अगर 10 कंटेस्टेंट्स आते हैं तो इनफीरियर्स को नहीं लिया जाता, जो अच्छे लोग होते हैं जो एक्चुअली ट्राइबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज एज पर दिस इज अ ब्यूटी पैजेंट, तो ब्यूटी पैजेंट में आप ऐसे तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, सो यस कि आप अपना बेस्ट दो
Exactly, you'll be selected, but at the most 10 people are selected from the audition round. थैंक यू सो मच, आप अपना वैल्यूबल टाइम दिए और अपना Exactly. एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आज हमारी होस्ट लक्ष्मी मांडी किसी टेक्निकल वजह से हम लोग से जुड़ नहीं पाए, तो हमें ही आना पड़ा फाइनली। नेक्स्ट हमें इसके बाद और भी आपकी तरह जितने भी मॉडल है उनका इंटरव्यू लेना है, तो होप सो तब तक हम लोग टेक्निकल इश्यूज को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो थैंक यू आपको आने के लिए, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर कॉल, माय प्लेजर. तेरा मैसेज लड़कियों तक पहुंच के अच्छा आ गया. थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू सो मच सर.